फर्स्ट विल कंटिन्यू लेसन नंबर 36 गाड़गे महाराज. ओके चलो, देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन आंसर्स विथ यू. गाड़गे महाराज, गाड़गे बाबा वॉज अ मॉडर्न संत. ही लिव्ड मैनी ईयर्स एगो बट ही इज स्टिल रिमेम्बर्ड फॉर द ग्रेट वर्क ही डीड इन थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस. वॉट डिड ही लुक लाइक? सिल्वर हेयर, ब्राउन आईज, fair skin, big, tall and stout body. He wrapped a lungi around the waist and wore a torn but clean shirt. A cloth shoe adorns one foot while the other foot was many times bare. He always carried a bowl and a stick. He always carries a stick also, huh? Then, because of this bowl or a gadge, that bowl is called as gadge. The people started calling him Gadge Baba or Gadge Maharaj. So, meaning of that bowl is what? In Marathi, we say that gadge. So, that's why his name become Gadge Maharaj, Gadge Baba. He never stays long in one place. मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम वो कहीं पर रहते ही नहीं थे, थोड़ा वे रहायचं आणि नंतर कुठे दुसरी कड़े जायचं. He slept only on a rough blanket and used only his own arm as a pillow. मतलब हाथ अपना सर के नीचे लेकर सो जाओ. He roamed from village to village spreading his message of cleanliness, humanity and the importance of education. He was not bothered by hunger or thirst. What he liked was bhajan, kirtan and teaching people. Thousands of people flocked to listen to his kirtan. मीन्स जब वो कीर्तन करते थे तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल वहाँ पर आकर खड़े रहते थे, जमा होते थे. फ्लॉक मतलब जमा होना, एक साथ आना, ग्रुप में आना. हिज कीर्तन यूज टू बी वेरी लाइवली, मतलब देखने में ऐसे पूरा हम जैसे लाइव शो कॉन्सर्ट देखते हैं ना वैसे. ही वुड नॉट सिंपली गिव लेक्चर्स, ही वुड ऑफन put questions to the audience to keep up their interest. वो सिर्फ लेक्चर नहीं देते थे तो वो questions पूछते थे. Then he would show them how absurd they were in their words and actions. For example, he would ask, how many gods are there? One. You worship खंडोबा, मसोबा, विरोबा एंड वेताल एंड सो ऑन. यू वर्शिप मैनी मोर, डोंट यू? येस. सो ही वॉज आस्किंग क्वेश्चंस लाइक दिस एंड पीपल वर गिविंग आंसर. योर एक्शन शोज दैट यू बिलीव दैट देर आर अ नंबर ऑफ गॉड्स एंड येट यू सेड अ लिटिल वाइल एगो that you worship one god. Were you asleep then? So now see, वो क्या पूछ रहे कि तुम अभी एक बार बोल रहे थे एक ही गॉड है, अभी बोल रहे हो इतने सारे हैं. So he was asking many questions to the people. The audience would be taken by surprise. Then they would listen more attentively to the Baba. बाबा वुड से, अभी वो और ध्यान से सुन रहे थे बिकॉज बाबा विल आस्क देम क्वेश्चंस, सो दे हैव टू आंसर प्रॉपरली. यू ऑफर थिंग्स टू गॉड्स इन रिटर्न फॉर हिज फेवर्स, डोंट यू? यस वी डू. तुम लोग भगवान को नैवेद्य देते हो, सब देते हो और उससे कुछ ना कुछ मांगते हो ना, तो कुछ चाहिए इसीलिए करते हो ना, ऐसे वो पूछ रहे हैं. और पीपल सेड यस वी डू. एंड डोंट यू से God, my child is ill. Please make him well. I will offer you a goat. और तुम फिर क्या बोलते हो? मेरे बच्चे को अच्छा करो, मैं तुमको फिर
गोट चढ़ाऊंगा। फिर गोट को क्या करते हो, काट देते हैं ना। यस वी डू। एंड डोंट यू से दैट इफ गॉड लेट्स गो द टू लेग्स चाइल्ड यू विल ऑफर हिम इन रिटर्न द फोर लेग्ड एनिमल। वी डू। देखो गाड़गे महाराज बहुत अभी सबको ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि लोगों को फिर उसका आंसर देना पड़ रहा है। एंड दे आर एक्सेप्टिंग दिस ऑल थिंग्स। वाई कैन गॉड हु क्रिएट दिस वर्ल्ड बी अ क्रूअल। तो वो अभी देखो क्वेश्चन पूछ के सब लोगों को ऐसे बातों में ले लिया। अभी क्या पूछ रहे हैं कि जो गॉड ने सब बनाया है सबको, गॉड क्या क्रूअल है। कैन ही बी सो ग्रीडी, उसको क्या लालच है। कैन ही बी ब्राइब्ड, तो उसको क्या ऐसे रिश्वत लेनी है। तो अभी लोग बोलेंगे नो, तो फिर क्यों देते हो, ऐसे पूछेंगे अभी। दैट मीन ही इज एक्सप्लेनिंग थिंग्स थ्रू हिज कीर्तन्स एंड थ्रू हिज क्वेश्चंस। डू यू थिंक किलिंग एंड ईटिंग वन ऑफ गॉड्स क्रिएचर्स विल प्लीज हिम, विल ही ब्लेस यू फॉर दैट। वो तुमको ब्लेस करेगा ऐसा करने से, मतलब तुम लोग एनिमल्स को मारोगे तो भगवान खुश होगा क्या। देन द ऑडियंस वुड रियलाइज हाउ रॉन्ग देयर थिंकिंग वॉज, दे वुड प्रोमिस टू बी मोर थॉटफुल। अभी वो लोग फिर से प्रोमिस करते कि अच्छा हम लोग अभी इसके बारे में सोचेंगे। आफ्टर द कीर्तन द पीपल फ्लॉक टू टच गाड़गे बाबाज फीट, बट ही वुडंट अलाउ एनी वन टू डू दैट। पैर पढ़ने आते हैं ना, वो अलाउ नहीं करते थे। ही डिडंट लाइक पीपल टचिंग हिज फीट। एज सून एज द कीर्तन वॉज ओवर ही स्पेड अवे, वो वहाँ से क्या हो जाते थे, गायब हो जाते थे, स्पेड अवे। एंड मतलब जल्दी जल्दी से वहाँ से निकल जाते थे। एंड लिविंग द क्राउड्स फार बिहाइंड, मतलब बहुत दूर चले जाते थे वहाँ से फटाफट। देन डेवलप पीपल गुड क्वालिटीज दैट ऑल देयर इज नो पॉइंट इन टचिंग माई फीट, ही सेड। तो उनको क्या करना था, सिर्फ उनके डेवलप करने थे गुड क्वालिटीज, बस उतना ही उनका काम है। लोगों में बहुत बड़ा बन के उनसे पैर पड़ाओ, ये उनको सब नहीं चाहिए था। बाबा फॉलोड वन रूल टू द एंड ऑफ हिज लाइफ, Whenever he went, be it a village, town or small settlement, he asked for study broom, spade and pans. Then he would sweep and clean the whole area. वो खुद ही ब्रूम लेकर, झाड़ू लेकर, कचरा निकालने का जो रहता है ना, तो वो लेकर पूरा साफ करते थे एरिया। सून अदर पीपल जॉइन हिम, बट ही डिड नॉट वेट फॉर दैट टू हैपन। और थोड़े देर में कुछ लोग आके उनको ज्वाइन करते थे, बट गाड़गे महाराज ये नहीं सोचते कि कोई आना चाहिए, वो खुद ही अपना अपना स्टार्ट करते थे। ही स्टार्टेड स्वीपिंग एंड क्लीनिंग द प्लेस हिमसेल्फ। एंड इफ एनी बाय स्टैंडर्ड्स ट्राइड टू बाव टू बाबा व्हाइल ही वॉज बिजी इन हिज वर्क, दैट पर्सन वुड गेट अ स्मैक ऑफ द ब्रूम ऑन द बैक, फिर वो उसको झाड़ू से ही मार देते थे। देन यू डोंट डू एनी ऑफ दिस वर्क योर सेल्फ, एंड वेन समबडी एल्स ट्राइज टू डू इट, यू पुट योर सेल्फ इन द वे। तुम खुद तो नहीं कर रहे हो और कोई दूसरा कर रहा है तो तुम उसके भी बीच में आ रहे हो। मूव असाइड, यहाँ से हटो। सी हाउ नाइस एंड वेलकमिंग दिस विलेज लुक्स व्हेन इट इज क्लीन, और जब इतना सब साफ करते हैं तो कितना अच्छा दिखता है। सो गाड़गे महाराज को क्या पसंद है, क्लीनिंग। इफ यू विजिट अ होली प्लेस इन महाराष्ट्र लाइक पंडरपुर और नासिक और देहू और आळंदी, यू विल सी द वर्क गाड़गे बाबा डिड इन दीज प्लेसेस। ही हिमसेल्फ वर्कड हार्ड, आस्क फॉर हेल्प एंड बिल्ड फ्री बोर्डिंग प्लेसेस, घाट्स ऑन द रिवर्स द वॉटर स्पाउट फॉर द पुअर हेल्पलेस,
then disabled and the needy, he started places that offered the food free of cost. मतलब फ्री में खाना वो लोग सबको प्रोवाइड कर रहे हैं. He built schools, colleges and hostels for children. He saw the God in the poor and miserable people. मतलब गाडगे महाराज ने भगवान को किस में देखा है? मूर्ति में नहीं, तो जो गरीब लोग हैं, मिजरेबल लोग हैं, उनमें देखा. सर्विंग दिस पीपल वॉज हिज वे ऑफ सर्विंग गॉड. और ये लोगों की मदद करना ही मतलब क्या है? हम गॉड को सर्विंग कर रहे हैं, गॉड का हम सेवा कर रहे हैं, ऐसे उनको लगता है. तो गॉड की सेवा करना मतलब ऐसे नहीं है कि भगवान की पूजा करो, एक घंटा बैठो, उसके बदले तुम गरीब लोगों की हेल्प करो, ऐसे गाडगे महाराज कहते हैं. ओके, सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन. नाउ वी विल कंटिन्यू सम क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. सी फ्रॉम द वर्कबुक, डैश वॉज अ मॉडर्न संत गाडगे बाबा. गाडगे बाबाज रियल नेम वॉज देबूजी जिंगराजी जानोरकर. His kirtan used to be very lively, develop good qualities. What he did? Develop good qualities. Gadge Baba saw God in poor and miserable people. Last sentence था ना ये. Then इसके बाद यहाँ पे scrambled करके दिया हुआ है ना, उसको properly लिखने. जैसे यहाँ पे है मैसेज, ठीक है, बाकी क्या आप ये people है, आप लोगों को बाकी का करना है, ठीक है. Who was Gadge Baba? Gadge Baba was a modern saint. What did Gadge Baba look like? Gadge Baba was a big, tall and had a stout body. He had silver hair, brown eyes and fair skin. Why did people call him Gadge Baba? Gadge Baba always carried with him a bowl and a stick. The bowl means Gadge. So people start calling him Gadge Baba. इधर calling नहीं लिखा है, calling लिखो, ठीक है. Next, what message did Gadge Baba spread? Gadge Baba का message क्या है? So he says that serving the poor people or miserable people is the serving of God. Okay. Then, what did Gadge Baba spread away after the kirtan? Speed away, भाग जाते थे जल्दी से. The after kirtan, people come to touch Gadge Baba's feet, which he did not like. Hence, Gadge Baba speed away after kirtan. Okay, then after क्या दिया हुआ है? Wherever he went, what did Gadge Baba do? Wherever Gadge Baba went, he asked for sturdy brooms, spades and pans to sweep and clean the whole area. What was Gadge Baba's way of serving God? Gadge Baba saw God in poor and miserable people, and serving these people was his way of serving God. In which places will you see Gadge Baba's work? If you visit a holy places in Maharashtra like Pandharpur, Nashik, Dhule, Anandi, you will see the work that Gadge Baba did in these places. Okay? Chalo, now arrange the words below in alphabetical order. So what we have to do alphabetically, we have to arrange. A से स्टार्ट होने वाला, देन बी, देन सी, देन ई. सो दिस वे यू हैव टू अरेंज द अल्फाबेटिकली ऑर्डर. ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट इज गिवन हियर. ओके, सम सेंटेंसेस वी हैव टू राइट. एडॉन्स मीन्स डेकोरेटेड विथ. दे अडॉन देमसेल्व विथ ज्वेलरी. अभी आप लोगों, ओके, सो हियर यू हैव टू कंटिन्यू द सेंटेंसेस, फ्रेम सेंटेंसेस. नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारे सेंटेंसेस आप लोगों के साथ फिर से शेयर कर दूंगी. अभी यहाँ पर देखिए, पैराग्राफ से क्वेश्चन आंसर्स फाइंड करने हैं. सो हु वॉज द मॉडर्न सन? गाडगे बाबा वॉज मॉडर्न सन.
अभी आप लोगों का न्यू जो पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्रहेंशन मिलेगा, उसमें से आंसर्स फाइंड करके लिखने हैं। व्हाट वाज हिज फुटवेयर, क्लोथ, शूज, एडॉन्स, वन फुट, वाइल, एल है यहाँ पे, वाइल द अदर फुट वॉज मैनी टाइम्स बेयर, कुछ भी बेयर रहता था मतलब कुछ है ही नहीं। व्हाट डिड ही ऑलवेज कैरी, ही ऑलवेज कैरीड अ बाउल एंड अ स्टिक। चलो, व्हाट वॉज गाड़गे महाराज रियल नेम, हिज रियल नेम वॉज देबूजी जी जानोरकर, वेरी गुड। देन गाड़गे बाबा, अभी मैच करना है, गाड़गे बाबा वॉज अ मॉडर्न संत, हिज कीर्तन यूज टू बी लाइवली, कैन गॉड हु क्रिएटेड दिस वर्ल्ड बी अ सो क्रूअल, बाबा फॉलोड वन रूल टू द एंड ऑफ हिज लाइफ, ही वॉज नॉट बॉदर्ड बाय हंगर और थर्स्ट, उनको भूख प्यास कुछ नहीं लगती थी ऐसे, वो सिर्फ उनको साफ सफाई चाहिए बस। देन व्हाट इज गिवन, वी हैव टू राइट एनी टू संत, क्या लिखेंगे हम नाम, संत तुकाराम महाराज, रामदास स्वामी। ओके चिल्ड्रन, सो वी हैव कम्प्लीटेड दिस लेसन हियर, और यहाँ पे कुछ ऑपोजिट वर्ड्स रह गए थे, ओके बोल देती हूँ, अनक्लीन क्लीन, लीन लीन दिया है क्या, लर्न दिया है, लीन है, लीन नहीं, लर्न हो सकता है शायद, बिकॉज इसमें लर्न वर्ड आया था, सो लर्न का हम क्या लिखेंगे, अनलर्न, शॉर्ट, शॉर्ट का टॉल, स्मॉल बिग, फ्यू मैनी, ओके, सो दिस वे वी हैव टू राइट द ऑल आंसर्स, यू कैन लर्न दिस, एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।